अस्सलामुअलैकुम, खैर मोहम्मद सदर का और आप देख रहे हैं सदर का टीवी चैनल। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा है फ्यूचर INDEFINITE इंडेफिनेट टेंस। जी फ्यूचर इंडेफिनेट क्या होता है, ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि फ्यूचर क्या होता है, हमारा आने वाला वक्त है, ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश उर्दू ग्रामेटिकली यूज में हम इसको कहते हैं फिर मुस्तकबिल। तो इंडेफिनेट क्या होता है, मुतलिक होता है, और टेंस जमाना वक्त दौर होता है। तो इसकी पहचान क्या होगी, फर्स्ट हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, ये वो फिल है जिसमें किसी काम का करना होना या सहना आने वाले वक्त में पाया जाए। डी, तो हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होगी, लेट वी स्टार्ट। जी पहचान इसकी क्या होगी, गा गी गे वगैरह आता है, ठीक है। तो उर्दू फिक्रों के आखिर में क्या आता है, गा गी या फिर गे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है जी विल आर शेल, विल आर शेल। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो विल आता है वो किसके साथ आता है और शेल किसके साथ आता है। तो हमने क्या करना है, आई और वी के साथ हमने शेल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। लेकिन अगर जोर दिया जाए फिक्रे पे, यानी कि जैसे क्या है, मैं खाना खा रहा हूंगा तो क्या आएगा, आई विल ईटिंग द फूड, ठीक है। तो अगर मैं ये कह देता हूं कि मैं जरूर खाना खा रहा हूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई विल। सिंपल में क्या है, जैसे हम क्या कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूंगा तो क्या आएगा, आई शेल ईटिंग द फूड। लेकिन अगर इसी पे ही जोर दे देते हैं तो और फिक्र आ जाता है कि मैं जरूर खाना खा रहा हूंगा तो क्या आएगा, आई विल ईटिंग द फूड, आई विल ईट द फूड, क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस आ जाता है कि मैं खाना खाऊंगा। जी हमारा फिक्र क्या है इसमें, गा गी गे, मैं खाना खाऊंगा। तो इसमें क्या आएगा, आई शेल ईट द फूड, तो मैं खाना खाऊंगा। और अगर मैं यही कह देता हूं कि मैं जरूर खाना खाऊंगा तो क्या आएगा, आई विल ईट द फूड, तो मैं जरूर कर दूंगा। यानी कि जो आपका जो शेल है, अगर आप कंपल्सरी कर देते हैं किसी फिक्रे पे जोर दिया जाता है तो हम जो है उसमें क्या करते हैं, शेल हटा के विल लगा देते हैं, ठीक है। तो आई और वी के साथ भी विल आ जाएगा, बाकी सबके साथ तो ऑलरेडी हमारा जो है वो विल यूज हो रहा है, लेकिन अगर हम किसी फिक्रे पे जोर देंगे तो उसमें भी विल ही यूज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। सिंपल सेंटेंस का मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या आ जाता है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस सेम लाइक दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लगाना है। यहां पे हम कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ वर्ब
ऑब्जेक्ट जी, तो हमारा इंटरोगेटिव क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं जी, हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आएंगे और नॉट को रेज कर देंगे। तो जैसे क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या आ जाता है, एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। सिंपल सेंटेंस क्या है जो कि हमने यानी कि किया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसकी सिंपल, आई शैल गो टू स्कूल जी। अगर मैं यही कह देता हूं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो क्या आएगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। तो हमारे पास अगर पूछ लिया जाता है क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंटरोगेटिव में। जैसे क्या है, शैल स्टार्ट में आ जाएगा, शैल आई नॉट को हमने खत्म कर देना है, शैल आई गो टू स्कूल और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।